जट दी रानी वेखी बदलू कहानी, जट दी रानी वेखी बदलू कहानी, तू डर ना जो के। सो गाइस, आज की इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ कि इस तरह की ट्रेंडिंग वैलेंटाइंस डे स्टेटस आप कैसे बना सकते हो। गाइस, अगर आप अपनी पार्टनर की फोटो से इस तरह की वैलेंटाइंस डे स्टेटस बनाओगे ना, तो आपकी वीडियो अमेजिंग लगने वाली है। तो इस तरह की वैलेंटाइंस डे स्टेटस बनाने से पहले मेरी वीडियो ना कर देना एक लाइक, चैनल सब्सक्राइब करने के बाद घंटे के निशान को भी प्रेस कर देना है। गाइस, सो गाइस वीडियो ना कर लेते हैं स्टार्ट। ओके गाइस, काइन मास्टर एप्लीकेशन ओपन करने के बाद साइड पे कुछ ऑप्शन है, तो प्लस आइकॉन पे क्लिक करनी है और उसके बाद यहाँ से अपनी वीडियो की रेशियो लेना है। गाइस, तो यहाँ से आपको 1:1 रेशियो सेलेक्ट कर लेनी है। गाइस, सो गाइस इस रेशियो को सेलेक्ट करने के बाद आपको गैलरी से कुछ इमेजेस सेलेक्ट कर लेनी है। गाइस, सो गाइस मैं यहाँ से कुछ इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। फाइनली गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पे इमेज सेलेक्ट कर लिया है। तो जो इमेजेस यहाँ पे आपको सही से क्रॉपिंग सेट नहीं है, तो उसे आपको साइड पे कुछ ऑप्शन शो हो रहा है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। करने के बाद यहाँ बराबर पे टिक करना है और इस तरह से इसे सेट कर देना है गाइस, और ओके पे क्लिक कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट लेयर पे क्लिक करना है, इसे भी इस तरह से आपको साइड पे एक ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करना है और बराबर पे टिक कर देना है और इस तरह से स्क्रीन पे फिट कर देना है गाइस, और ओके कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट लेयर पे क्लिक करना है, फिर से आपको वही क्रॉपिंग पे क्लिक करना है और फिर से बराबर पे क्लिक करना है और इस तरह से स्क्रीन पे फिट कर देनी है गाइस आपको, और उसके बाद यहाँ पे ओके पे टिक कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट लेयर पे क्लिक करना है, ये सही है। तो वापस गाइस आपको शुरू पे चले आना है। शुरू पे आने के बाद गाइस आपको यहाँ पे दो इमेजेस के बीच में एक प्लस आइकॉन शो हो रही है, सो गाइस आपको यहाँ पे क्लिक करनी है। करने के बाद यहाँ पे साइड पे कुछ ऑप्शन आपकी शो हो जाएगी, तो यहाँ से आपको एक ऑप्शन ले लेना है गाइस, प्रेजेंटेशन। सो आपका यहाँ पे क्लिक करना है गाइस। करने के बाद यहाँ पे आपको स्लाइड करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगी गाइस आपको वाइप, सो आपको गाइस यहाँ पे क्लिक करना है। करने के बाद इस तरह से यहाँ पे इसे ओके कर देनी है गाइस। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट प्लस पे क्लिक करनी है। करने के बाद फिर से आपको वही प्रेजेंटेशन पे जाना है, तो आपको यहाँ पे प्रेजेंटेशन सर्च कर लेना है यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे प्रेजेंटेशन पे आपको फिर से क्लिक करना है। करने के बाद गाइस यहाँ पे फिर से वही वाइप ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे लेफ्ट वर्ड जो आप देख पा रहे हैं, सो गाइस यहाँ पे आपको क्लिक करना है। करने के बाद यहाँ से आपको राइट वर्ड पे क्लिक कर देना है गाइस और यहाँ से ओके कर देनी है। उसके बाद फिर से आपको नेक्स्ट प्लस पे क्लिक करना है, फिर से आपको प्रेजेंटेशन पे जाना है गाइस। जाने के बाद फिर से आपको वही वाइप पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो लेफ्ट वर्ड है इसे लेफ्ट वर्ड पे ही रहने देना है गाइस। तो इसी तरह से आपको चेंज करते रहना है गाइस और ओके कर देना। तो यहाँ पे जितनी भी इमेजेस है गाइस आपको सबको इस तरह से कर लेनी है। गाइस मैं यहाँ पे वीडियो स्किप कर देता हूँ वरना वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी गाइस। ओके गाइस, तो यहाँ पे जितनी भी इमेजेस है सबकी ट्रांजिशन इफेक्ट आपको सेट कर देनी है। सेट करने के बाद गाइस यहाँ पे आपको लेयर पे क्लिक करनी है और इसकी लेंथ को इस तरह से आपको कम कर देनी है गाइस। तो यहाँ पे जितनी भी इमेजेस है सबकी लेंथ आपको इस तरह से कम करनी है गाइस, जैसे मैं कर रहा हूँ इस तरह से आपको भी कम कर लेनी है गाइस और यहाँ पे ओके कर देना है। सो गाइस वापस आपको शुरू पे चले आना। उसके बाद गाइस आपको यहाँ से इसे एक्सपोर्ट कर लेना है गाइस, तो मैं यहाँ से इसे एक्सपोर्ट कर लेता हूँ गाइस। ऑलराइट गाइस, एक्सपोर्ट करने के बाद आपको बैक आना है। बैक आने के बाद साइड पे प्लस आइकॉन क्लिक करनी है और उसके बाद यहाँ से आपको वीडियो को रेशियो लेना है गाइस 16:9। सो गाइस इस रेशियो को सेलेक्ट करने के बाद आपको एक गैलरी से बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेनी है गाइस। सो गाइस मैं यहाँ से एक इमेज की बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेता हूँ गाइस। इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो इसकी लेंथ को मैं जितनी लंबी स्टेटस बनाना चाहता हूँ उतनी लंबी इसकी लेंथ कर देता हूँ और उसके बाद साइड पर कुछ ऑप्शन हो रहा है, सो आपको यहाँ पर क्लिक करना है और बराबर पे टिक कर देना और इस तरह से इसे स्क्रीन पे फिट कर देना है गाइस और उसके बाद ओके कर देना है। ओके गाइस, उसके बाद आपको यहाँ पे इमेज की लेयर पे क्लिक करनी है और साइड पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको विग्नेट, सो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ से इसे इनेबल कर देना है गाइस और उसके बाद ओके पे टिक कर देना है। ऑलराइट गाइस, उसके बाद गाइस आपको लेयर पे टच करना है, इफेक्ट पे जाना है और यहाँ से आपको एक ब्लर इफेक्ट ऐड कर लेनी है गाइस। तो यहाँ पे एक इफेक्ट शो हो रही है, बेसिक इफेक्ट, सो गाइस यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ये फर्स्ट वाला इफेक्ट आपको ऐड कर लेना है गाइस। करने के बाद ओके कर देना है और इसकी ड्यूरेशन को इस तरह से फुल करनी है गाइस आपको कुछ इस तरह से, और वापस शुरू पे चले आना है और यहाँ पे गाइस आपको सेटिंग पे क्लिक करना है। करने के बाद यहाँ पे सेटिंग इसकी 6 बढ़ा देनी है आपको और ओके कर देनी है। ऑलराइट गाइस, नेक्स्ट आपको लेयर पे टच करना है, मीडिया पे जाना है
और यहाँ से आपको एक टेम्पलेट ऐड कर लेनी है गाइस। उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा गाइस। तो साइट पे एक ऑप्शन है, सो आपको यहाँ पे क्लिक करना है गाइस। करने के बाद यहाँ से सेकंड वाले पे क्लिक करके यहाँ से इसे फुल स्क्रीन कर लेना है और ओके पे टिक कर देना है गाइस। उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको टेम्पलेट की लेयर पे फिर से क्लिक करनी है और यहाँ पे साइट पे कुछ ऑप्शन शो हो रही है, तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगी क्रोमा की। सो गाइस यहाँ पे आपको क्लिक करना, यहाँ से इसे इनेबल कर देना है और इस तरह से एडजस्ट कर लेना है। करने के बाद गाइस आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक कलर ऑप्शन मिलेगी, सो आपको यहाँ पे क्लिक करना और यहाँ से इसे ब्लू कलर पे रख लेना है गाइस और ओके कर देना है। सो गाइस फाइनल पे यहाँ पे आपकी कलर ऐड हो चुकी है। उसके बाद यहाँ से गाइस इसे एक्सपोर्ट कर लेना गाइस। तो मैं यहाँ से इसे एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। ओके गाइस, उसके बाद आपको बैक आना है। दो बार बैक आने के बाद गाइस आपको प्लस आइकॉन पे क्लिक करनी है और उसके बाद यहाँ से अपनी वीडियो की रेशियो लेना है आपको 16:9। इस रेशियो को लेने के बाद गाइस आपको गैलरी से एक ब्लैक कलर की बैकग्राउंड आपको सेलेक्ट कर लेनी है। सो गाइस मैं यहाँ से एक ब्लैक कलर की बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसकी ड्यूरेशन इतनी लंबी कर देना है। वापस शुरू पे चले आना है और ओके कर देना है गाइस। उसके बाद गाइस आपको लेयर पे टच करना है, मीडिया पे जाना है और अभी जिस वीडियो को आपने एक्सपोर्ट किया था गाइस उस वीडियो को यहाँ पे आपको ऐड कर लेनी है गाइस। और साइड पे एक ऑप्शन है, सो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ से इसे फुल स्क्रीन कर लेना है गाइस और ओके कर देना है। उसके बाद गाइस आपको टेम्पलेट की लेयर पे फिर से क्लिक करना है और साइड पे कुछ ऑप्शन हो रहा था, आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगी क्रोमा की। सो गाइस आपको यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ से इसे इनेबल कर देना है गाइस और यहाँ से अच्छा सा एडजस्ट कर लेना है और साइड पे एक ऑप्शन मिलेगी कलर। सो गाइस आपको यहाँ पे क्लिक करना है, करने के बाद यहाँ से आपको इसे ग्रीन पे रख लेना है गाइस और ओके कर देना है। ऑलराइट गाइस, तो आप जैसे कि यहाँ देख पा रहे गाइस यहाँ से आपकी ग्रीन कलर रिमूव हो चुकी है गाइस। ओके गाइस, सबसे पहले जिस वीडियो का आपने एक्सपोर्ट किया था तो उस वीडियो को गाइस यहाँ पे आपको ऐड करना है, लेयर पे टच करना है, मीडिया पे जाना है और सबसे पहले जिस वीडियो को आपने एक्सपोर्ट किया था उस वीडियो को यहाँ पे आपको ऐड कर लेना है गाइस। सो गाइस मैंने उस वीडियो को यहाँ पे ऐड कर लिया है, तो आपको यहाँ पे स्लाइड कर आना है और इस फ्रेम के हिसाब से गाइस यहाँ पे इसे सेट करना है। तो इस तरह से आपको इसे सेट कर देनी है और यहाँ पे गाइस 3 डॉट ऑप्शन पे क्लिक करना है आपको। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ से इसे आपको सेंड टू बैक कर देनी है गाइस। सो मैं यहाँ से सेंड टू बैक कर देता हूँ गाइस और ओके कर देता हूँ। उसके बाद गाइस आपको इसकी वीडियो पे लेयर पे फिर से क्लिक करना है गाइस और साइड पे 3 डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको एक डुप्लीकेट लेना है गाइस। सो गाइस मैं यहाँ से एक डुप्लीकेट ले लेता हूँ। लेने के बाद गाइस इसे यहाँ पे स्मॉल करना है। करने के बाद गाइस इस कॉर्नर पे यहाँ पे आपको सेट करना है, इस फ्रेम पे गाइस, इस फ्रेम पे ऐसे सेट कर लेना है गाइस। आपको सेट करने के बाद आपको 3 डॉट पे फिर से क्लिक करना है गाइस और यहाँ से इसे सेंड टू बैक कर देनी है गाइस। उसके बाद गाइस आपको 3 डॉट पे फिर से क्लिक करना है, फिर से एक डुप्लीकेट लेना है और इसे आपको इस फ्रेम पे सेट करना है गाइस और वापस आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ से इसे सेंड टू बैक कर देना है गाइस और ओके पे क्लिक कर देना है। ऑलराइट गाइस, ये सब सेट करने के बाद आपको क्या करना है, आपको लेयर पे टच करना है गाइस, मीडिया पे जाना है और यहाँ से एक PNG इमेज ले लेना है। सो गाइस यहाँ से मैं एक रोज़ की PNG इमेज ऐड कर लेता हूँ गाइस। गाइस जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पे रोज़ की PNG इमेज ऐड कर लिया है, तो आपको यहाँ पे इस तरह से रोटेट करना है। करने के बाद यहाँ पे फ्रेम पे आपको इस तरह से सेट करनी है गाइस, कुछ इस तरह से देख लीजिए, ऐसे आपको सेट कर लेनी है गाइस और यहाँ पे लेंथ इसकी बढ़ा देनी है और वापस शुरू पे चले जाना है गाइस, ओके कर देनी है। ओके गाइस, टेम्पलेट की लेयर पे फिर से आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ये वाली फ्रेम पे इसके यहाँ पे रोटेट कर देना है। तो मैं यहाँ पे रोटेट ऑप्शन मिल जाएगी, यहाँ पे आपको क्लिक करना है गाइस। रोटेट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये फर्स्ट वाले पे क्लिक करके यहाँ से इसे रोटेट कर लेना है गाइस आपको और ओके कर देना है। इसके बाद गाइस आपको नेक्स्ट इमेज पे क्लिक करना है, ये वाला नहीं, मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ कौन वाला है। ये हो गया है गाइस, तो ये वाला इफेक्ट। तो यहाँ पे गाइस आपको क्या करना है, यहाँ पे फिर से आपको स्लाइड करना है। करने के बाद फिर आपको यहाँ पे वो ऑप्शन मिलेगी रोटेट, सो आपको यहाँ पे क्लिक करना है गाइस। करने के बाद यहाँ पे फर्स्ट वाले पे क्लिक करके इसे भी रोटेट कर लेना है आपको और ओके कर देना है गाइस। सो गाइस देखिए यहाँ पे किस तरह से ये रोटेट हुई है, देखिए इसके ये ऑपोजिट यहाँ पे ये जा रही है, तो इसी तरह से आप रोटेट कर सकते हैं गाइस। उसके बाद गाइस आपको क्या करना है, लेयर पे टच करना है, मीडिया पे जाना है और यहाँ से एक पार्टिकल टेम्पलेट आपको ऐड कर लेनी है गाइस। सो गाइस मैं यहाँ से एक पार्टिकल टेम्पलेट ऐड कर लेता हूँ और इस तरह से आपको इसे रोटेट कर लेना है गाइस और यहाँ पे फुल स्क्रीन कर देना है और वापस यहाँ पे साइड पे कुछ ऑप्शन मिलेगी। सो गाइस यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगी ब्लेंडिंग, सो गाइस आपको यहाँ पे क्लिक करना, यहाँ से इसे स्क्रीन पे रख लेना गाइस और ओके कर देना है। उसके बाद गाइस पार्टिकल के टेम्पलेट पे फिर से आपको क्लिक करना है गाइस और यहाँ से इसकी साउंड को म्यूट करना, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है
और यहाँ पे क्लिक करके इसकी साउंड को आपको म्यूट कर देना है गाइस और ओके कर देना है। सो गाइस फाइनली यहाँ पे आपकी वीडियो क्रिएट हो चुकी, तो मैं यहाँ पे वीडियो आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ गाइस वीडियो यहाँ पे किस तरह से क्रिएट हुई है। सो गाइस जैसा कि आप देख पा रहे हैं वीडियो पे काफ़ी अच्छा इफेक्ट आ रहा है, देखने में बड़ा ही अमेजिंग लग रहा है। तो ऐसे ही वीडियो आप बना सकते हो गाइस काइन मास्टर की मदद से। और उसके बाद गाइस एक्सपोर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, साइट पे एक ऑप्शन मिलेगी गाइस, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। करने के बाद यहाँ पे एक्सपोर्ट बटन पे आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से इसे एक्सपोर्ट कर लीजिएगा गाइस, या आपकी गैलरी पे गाइस बड़ी आसानी से सेव हो जाएगी।